हाय गाइज, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक गुडी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रियलमी 9 प्रो में होम स्क्रीन मोड सेटिंग कैसे करेंगे। होम स्क्रीन मोड सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सो गाइज, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन होम स्क्रीन मोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नीचे तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में एक एक करके बताऊंगा। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा स्टैंडर्ड मोड का, सेकंड ऑप्शन दे रखा ड्रॉअर मोड का और थर्ड ऑप्शन सिंपल मोड का। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन ड्रॉअर मोड पे मैंने पहले से क्लिक कर रखा है, इसलिए फ्रेंड्स मैं स्वीप अप करूं तो इस तरीके से मेरी ऐप ओपन होकर आ रही है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन स्टैंडर्ड मोड पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी सारी एप्स मेरे होम स्क्रीन पे आ जाएंगी, मुझे स्वीप अप करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके फोन में स्टैंडर्ड मोड अप्लाई हो गया है। यहां पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यहां पे मेरी सारी एप्स मेरे होम स्क्रीन पे आ गई हैं, मुझे स्वीप अप करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा स्टैंडर्ड मोड। अब बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन दे रखा हमारे ड्रॉअर मोड का। सो फ्रेंड्स, मैं इस पे क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके फोन में ड्रॉअर मोड अप्लाई हो चुका है। अब आपको स्वीप अप करना पड़ेगा, तब फ्रेंड्स आपकी ऐप इस तरीके से ओपन होकर आएगी। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा सेकंड ऑप्शन। अब बात करते हैं हम थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन दे रखा हमारा सिंपल मोड का। जैसे फ्रेंड्स फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सेम ही है, बट फ्रेंड्स एक ही डिफरेंस है। जैसे फ्रेंड्स स्टैंडर्ड मोड में आपकी सारी एप्स आपके होम स्क्रीन पे आ जाती हैं, उसी तरीके से फ्रेंड्स सिंपल मोड में भी आपकी सारी एप्स आपके होम स्क्रीन पे आ जाएंगी। पर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड मोड में आपके ऐप की साइज़ें वो स्मॉल रहेंगे और सिंपल मोड में ऐप की साइज़ें वो बड़े हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सिंपल मोड पे क्लिक करता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके फोन में सिंपल मोड अप्लाई हो गया है। और यहां पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यहां पे आपको ऐप की साइज भी काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने फोन में होम स्क्रीन मोड सेटिंग कर सकते हैं और होम स्क्रीन मोड के किसी भी मोड को अपने फोन में अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, इस तरीके से आप होम स्क्रीन मोड सेटिंग कर सकते हैं। और गाइज, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और गाइज, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।